ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੂਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣਵੀਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੁੜ ਕੀਤੀ ਸਖਤੀ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਿਆਦ सवेरे 10 बजे से 2 बजे तक खुलणगे सारे बैंक किसानों वालों सीएम की कोठी वल किया जा रहा है कूच भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात करोना के मद्देनजर पंजाब सरकार ने लिया अहम फैसला करोना के कहर विचाले DGCA का हुक्म कौमांतरी उडाना 31 मई तक मुअत्तल पे कमिश्नर पंजाब के मुलायमों नूं सरकार का मुड़ वड्डा झटका करोना होया बेकाबू पिछले 24 घंटे दौरान 3.86 लाख मामले आए सामने 3502 लोगों की मौत पंजाब में सिद्धू लेके छिड़िया सियासी घमासान कैप्टन मगरना मंत्रियों ने खोलिया मोर्चा पंजाब 1 मई तो नहीं लगेगी करोना वैक्सीन बलबीर सिद्धू करोना के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का किया ऐलान सूबे की सख्ती PSEB बोर्ड ने दाखला शेड्यूल किया जारी 31 अगस्त तक ले सकेंगे विद्यार्थी दाखले आप संसद मैंबर भगवंत मान का दोष कैप्टन ते बादल परिवार विचकार दुबई च होया समझौता कैप्टन वालों ऑक्सीजन की कालाबाजारी जमाखोरी विरुद्ध सख्त कार्रवाई की चेतावनी तो दोस्तों ये सी अपन समय दोणवीं खबर तो हम गलबात करा जी इन्ह खबर की विस्तार उस तो पहले जिन्हों दोस्तों ने हले तक अपने चैनल सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दब लेना नाल ही ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लेना ता जो जी असी कोई भी खबर पाया करेंगे उस नोटिफिकेशन मिल जा करूँगी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस ही पहले खबर पर नज़र मारते हैं कि पंजाब सरकार ने सूबे च मुर की सख्ती 15 मई तक वधाई नाइट करफ्यू की म्याद पंजाब में करोना मामले लगातार बढ़ रहे हैं इस वेखते हुए पंजाब सरकार ने वड्डा फैसला लिया पंजाब सरकार ने करोना संबंधी नवे आदेश जारी किए इन मुताबिक नाइट करफ्यू की म्याद 2 हफ्ते होर वधा दी गई है यानी हुण नाइट करफ्यू 15 मई तक लागू रहेगा तो यह आदेश मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जारी किए ने दस दईए कि नाइट करफ्यू का ऑर्डर पहला पंजाब सरकार ने 30 अप्रैल तक जारी किया पर इस गति ते करोना के केस बढ़ रहे हैं उसनों वेखते हुए रात के करफ्यू की म्याद वधाउण की जरूरत है इसलिए जिहड़ा रात का करफ्यू है जी वह 15 मई तक वधा दिता गया है सवेरे 10 बजे तो 2 बजे तक खुलणगे सारे बैंक जी हाँ दोस्तों करोना वायरस के बढ़ रहे प्रकोप के चलते जिथे सेहत विभाग वालों लोगों नूं अपने घर रहने की अपील की जा रही है उत्थे ही अज दोपहर बाद बैंकों के समय अंदर की तब्दीली भी आई है इस संबंधी जानकारी देते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर आनंद किशोर ने दसिया कि दोपहर बाद उन्होंने हैड ऑफिस तो हुक्म जारी हुए हैं कि करोना वायरस का प्रकोप लगातार तेजी से बढ़ रहा है तो लोगों और स्टाफ को इस बीमारी से बचाने के लिए बैंक का समा पहले नालों घटा दिया गया उन्होंने दसिया कि हुण बैंक सवेरे 10 बजे तो दोपहर 2 बजे तक खुलणगे और बैंक अंदर उही व्यक्ति काम लई आवे जिसन कोई काम जरूरी काम है उन्होंने लोगों को अपील की कि करोना वायरस तो बचने लई सानू सैनेटाइजर मास्क आपसी दूरी हाथ ना मिलन आदि का ध्यान रखना पवेगा किसानों वालों सीएम की कोठी वाल किया जा रहा है कुछ भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किसानों का संघर्ष रोकने का नाम नहीं ले रहा इस जमीन बचाओ संघर्ष कमेटी के सदे से कल हजारा किसान ट्रैक्टर राही पटियाला पहुंचे तो प्रदर्शनकारी किसानों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोठी वाल यात्रा की अपन जमीनों को घट कीमत खरीदने के मुद्दे से जोरदार नारेबाजी की इस मौके किसानों रोकने वड्डी गिनती में पुलिस बल भी मौके पर तैनात किए गए पुलिस ने लगातार किसानों को रोकने की कोशिश की पर किसान पिछे हटने तैयार नहीं ने करोना के मद्देनज़र पंजाब सरकार ने लिया अहम फैसला जी हाँ दोस्तों पंजाब में करोना के बढ़ रहे मामलों के मद्देनज़र पंजाब सरकार ने राज में सख्ती होर वधा दी है तो कल पंजाब सरकार ने नवे आदेश जारी करदे रात के करफ्यू की म्याद 2 हफ्ते होर वधा दी है दस दईए कि करफ्यू निर्देश पंजाब सरकार वल्लों 30 अप्रैल तक जारी किया गया जिस के मद्देनज़र यह फैसला लिया गया
रात दे करफ्यू का समय 6 बजे तो सवेरे 5 बजे तक ही रहेगा। तो नाल ही उन्होंने ये ऐलान किया कि पंजाब पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा, जिहड़ा वीकेंड लॉकडाउन ही लग्या रहेगा। तो जिहड़ियां इस बारे खबरां वायरल हो रही ने वह झूठियां दसियां जा रही ने। करोना के कहर विचाले DGCA का हुक्म, कौमांतरी उडाना 31 मई तक मुअत्तल। करोना के वाधे मामलों के चलद DGCA ने अंतरराष्ट्री उडाना की सस्पेंशन 31 मई 2021 तक वधा दिती है। ये पाबंदी कुमारी आल कारगो ऑपरेशन से उडाना उत्ते लागू नहीं होगी। इस ही लोड़ पैण से कुछ कौमांतरी रूट्स उत्ते संबंधित अथॉरिटी की मंजूरी तो बाद उडाना चलाइया भी जा सकदियां ने। शहरी हवाबाजी के डायरैक्टर जनरल ने हुक्म जारी किया कि 31 मई 2021 की रात 11 बजे की रात 11:09 तक अंतरराष्ट्री निर्धारित कौमांतरी उडाना समर्थ अधिकारी वालों 94 रूटा उत्ते मामले के आधार से इजाजत दी जा सकती है। पे कमिशन पंजाब के मुलाजमान सरकार का मुड़ झटका। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय तो नवे तनखा स्केल की उड़ीक कर रहे पंजाब के सरकारी मुलाजमान राज्य सरकार ने मुड़ झटका दिता। सरकार ने 6वें तनखा कमिशन का कार्यकाल 31 मई 2021 तक वधा दिता। सरकार के परसोनल विभाग वालों बीती 1 अप्रैल में जारी नोटिफिकेशन नू अगे भी जारी रखदियां 6वें तनखा कमिशन का कार्यकाल 31 मई तक ज रिपोर्ट सौंपे जाने तक ज दोवों विचों भी पहला होवे उन्हां अनुसार वधा दिता। इस तो पहला राज सरकार ने 31 मार्च में खत्म हुई 6 महीनों की म्याद में 30 अप्रैल तक वधा दिता सी। सरकारी मुलाजम पिछले 5 सालों तक कमिशन की रिपोर्ट की उड़ीक कर रहे हैं। पंजाब अकाली भाजपा कठजोड़ सरकार वेले February 2016 तनखा कमिशन का गठन किया गया सी। सरकार ने सबका मुख्य सकत्र RS मान की अगवाई हेठ कमिशन का 3 मैंबरी पैनल बनाया सी, पर इस दे 2 मैंबर की नियुक्ति में ही 9 महीने का समा बीत गया। 2 मैंबर की नियुक्ति November 2016 हो सकी। करोना होया बेकाबू, पिछले 24 घंटे दौरान 3.86 लाख मामले आए सामने, 3502 लोगों की मौत। देश में करोना की रफ्तार घट नहीं रही है। देश में लगातार 9वें दिन करोना के 3 लाख तो वध मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे इतने करोना वायरस 386,693 केस दर्ज है, 3502 मौत हुई ने। ये 9वां दिन है जो करोना के केस 3 लाख तो वध पहुँच गए हैं। तो ये अंकड़ा 4 लाख के नेड़े पहुँच रहा है। इस दे नाल ही देश में करोना केस की दर भी 21.2% तक पहुँच गई। इसका मतलब है कि टैस्ट किए जा रहे हरेक 100 व्यक्तियों में 21 पॉजिटिव हो रहे हैं। 6 अप्रैल तो रोज़ाना 1 लाख तो वध मामले सामने आ रहे हैं। 24 दिन बाद ये अंकड़े 4 लाख के नेड़े पहुँचने शुरू हो गए हैं। पंजाब में सिद्धू लैके छिड़िया सियासी घमासान, कैप्टन मगरों इन्होंने मंत्री ने खोलिया मोर्चा। पंजाब च सबका मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू नूं लैके सियासी घमासान छिड़िया होया, जिथे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू खिलाफ़ और वड्डे बयान दिते ने। उत्ते हुण कैप्टन ते मंत्रियों ने भी सिद्धू खिलाफ मोर्चा खोल दिता है। मंत्रियों का कहना है कि सिद्धू सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी दे भुखे ने, जिस पार्टी ने उन्होंने इन्ना सन्मान दिता है उस पार्टी नाल सिद्धू विश्वासघात कर रहे हैं। अकाली भाजपा सरकार मौके वापरिया श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी दी घटनावां नाल नवजोत सिंह सिद्धू का कोई सरोकार नहीं है। सिद्धू सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी का भुख है, जिस करके वह शुरू तो ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों सूबे के हितों में किए जा रहे कामों की नुक्ताचीनी करते आ रहे हैं। तो आप खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। पंजाब 1 मई तो नहीं लगेगी करोना वैक्सीन, बलबीर सिद्धू। जी हाँ दोस्तों, 1 मई तो करोना टीका पंजाब उपलब्ध नहीं होगा। इस बारे जानकारी देंदे सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि उन्होंने कोल करोना लई वाती जाने वाली दवाई की घाट है, जिस कारण टीके का काम रुक गया। उन्होंने कहा कि राज कोल स्टाफ है, बुनियादी ढांचा है, सेंटरां की घाट नहीं, पर सानू टीका पूरी मात्रा में नहीं मिल रहा। बलबीर सिद्धू ने कहा कि इस कारण 18 साल तो वध उम्र के लोगों को टीका लाना मुश्किल हो रहा है। जेकर राज को 10 लाख टीके पहुँच जाते हैं तो टीका लगवाने का काम शुरू हो सकता है। उन्हें कहा कि टीकाकरण के काम लिए राज पूरी तरह तैयार है, पर दवाई की घाट कारण काम बंद कर दिया गया है।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ, ਕਰਨਾਲ, ਸਿਰਸਾ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। PSEB ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ। 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 5ਵੀਂ, 8ਵੀਂ, 9ਵੀਂ, 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਡਡ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੇਟਡ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਹਿੱਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pseb.ac.in ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਰਗਾੜੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦਾਗ ਵੀ ਧੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ 2017 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੰਡ ਖੁਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, SAS ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਵਿਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1/4 ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।